अभी ये मोटर वे पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, यहाँ से ब्लास्ट हुआ है, ये चेक करें। और इसके अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है कि यार बचत होगी। अभी बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है हमारा मोटर वे के ऊपर, गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये वाला टायर भी ब्लास्ट हो गया और इस टायर की कंडीशन देखें, ये तो चले पंचर हुआ है, इस टायर की कंडीशन देखें, यहाँ से ब्लास्ट हुआ है, ये चेक करें। और इसके रिम की भी हालत देखें, रिम के साथ क्या हो गया है, मुझसे इस टाइम बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, और हम इसको खोलने के चक्कर कर रहे हैं। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ से ये हुआ है सीन, हमारी गाड़ी आ रही थी उस तरफ से, अभी ये मोटर वे पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ, इनके लिए थैंक यू। और यहाँ से देखें ना, वहाँ से हमारी गाड़ी आई है, वहाँ से आते हुए, यहाँ से ऐसे जाते हुए, इसके टायर के निशान देखें आप, वो वहाँ तक चली गई है। तकरीबन कोई स्पीड होगी हमारी 100 पे होगी हमारी स्पीड, मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बड़ी स्पीड नहीं थी, और जिस हिसाब से हमने गाड़ी को कंट्रोल किया है ना यार, अल्लाह माफ़ करे, हमारे साथ फैमिली भी थी, मेरा बेटा भी था, और इतने हम लोग परेशान हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा ही करम हुआ है, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान हुआ है कि बचत हो गई है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोटें नहीं लगी, ड्राइवर हमारे अच्छे थे उस्ताद, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। बहरहाल बहुत 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 ख़तरनाक सीन हुआ है हमारे साथ, और अल्लाह का एक तो ये शुक्र हुआ है कि पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी हमारे पीछे, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से आई है ना, यहाँ से आते हुए, यहाँ से ऐसे गोली की स्पीड से जाते हुए वहाँ जाके लगने ही वाली थी कि उसको हमने सीधा कर लिया, उस्ताद साहब ने किसी तरीके से उसको सीधा कर लिया है, तो बड़ा अल्लाह पाक का करम हो गया यार। अभी टायर खोल के आपको अपडेट करता हूँ, अभी स्टेपनी खोल दिया, लेकिन टायर हमारे दो ब्लास्ट हुए हैं, एक टायर ब्लास्ट हुआ है, दूसरा पंचर हुआ है, ये देखें, एक तो हम स्टेपनी लगा देंगे ना सजी, दूसरे टायर का क्या करेंगे यार, बस ये आएगा अभी ठीक करवाएंगे, पुलिस वाले आएंगे ना ले जाएंगे गाड़ी फिर वापस, ये देखें यार इसके साथ बड़ा हैवी सीन हो गया, चेक करें, अल्लाह ने बचा लिया यार, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी जान को कुछ नहीं हुआ। जान इधर देखो बाबा, बहुत गंदा एक्सीडेंट मारा है आज यार, अल्लाह पाक माफ कर, बाबा इधर तो देखना, इधर तो देखना, इधर तो देखना उस्ताद जी, ये देखें जी टायर की क्या कंडीशन होगी, अभी आपको उतार के दिखाते हैं, टायर सर जी कहाँ से फटा है दिखाएं, ये देखें यहाँ से फटा है, रिम की तो हालत खराब है उस्ताद, ये रिम तो नहीं चल सकता, चल सकता है, चल जाएगा ये, अच्छा इसको उल्टा करें, साइड से भी है, नहीं साइड से नहीं, एक साइड फटी बार, हाँ इस साइड से फटा है, ये देखें यहाँ से टायर फटा है, और ये देखें ना रिम की क्या कंडीशन होगी, सारा यहाँ से छिल गया है रिम ऐसे, ये हम स्टेपनी लगाने लगे हैं इसको, लेकिन अगला टायर पंचर है, उसके भी कुछ करना पड़ेगा, आऊं सर जी साथ में, नहीं नहीं यहाँ से हमारी गाड़ी नीचे उतरी है, बड़ा उस्ताद साहब ने कंट्रोल करके उसको वहाँ तक लेके गए हैं, ये देखें जी ये दोनों टायर के निशान हैं, ये अगले टायर का निशान है, ये पिछले टायर का निशान है, ये चेक करें, यहाँ से जाते हुए वहाँ तक गई है, ये टायर फटा हुआ है, अब इसको लगा रहे हैं गाड़ी के ऊपर, और ये हमने स्टेपनी खुद लगा दी है, अब वेट कर रहे हैं उनका, वो जब तक आते हैं, कितने देर लगेगी सर, 5 मिनट में सर, ओके सर थैंक यू सो मच, ओके। ये हमने मोटरवे पुलिस को कॉल की थी, लेकिन कॉल करने से पहले ही वो गाड़ी उनकी यहाँ से आ रही थी ना, तो उन्होंने हमें देख लिया था, तो फिर उन्होंने अपनी वर्कशॉप पे फ़ोन किया है, वो लोग आ रहे हैं इसको रिपेयर करने के लिए, एक स्टेपनी तो हमने लगा दी है, और लेकिन दूसरे टायर का भी मसला है, वो जब तक आते हैं हम उनका वेट करेंगे, ये देखें गाइस उनकी गाड़ी आ चुकी है, बंदा आ रहा है हमारी तरफ, वर्कशॉप वाले भाई आ चुके हैं, हमारा इरादा ये हुआ है कि उनसे पंप लेके ना इस टायर के अंदर हवा भरते हैं, फिर हवा भर के वर्कशॉप तक इसी गाड़ी को ले जाएंगे, ये चेक करें, वर्कशॉप यहाँ से कितना दूर है भाई, वर्कशॉप
यहाँ से है तकरीबन 3 किलोमीटर। अच्छा, फिर तो नजदीक है बस। इसकी टायर की कंडीशन देखिए क्या लगता है, हवाई मतलब पंचर ही है ना या ब्लास्ट तो नहीं है? हवा भरते हैं फिर चेक करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करो, चाबी देवा तुम्हारे को? चाबी तुम्हारे को? ना ना, उसे अंदर है। चले स्विच ऑन करें इसका, स्टार्ट करो। चा नहीं चल रहा। हाँ, ये जी जा रहा है टायर रिपेयर होने के लिए। ये टायर जा रहा है जी रिपेयर होने के लिए, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिपेयर होके आ जाएगा। एक टायर तो हमारा बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका था, जिसकी जगह पे हमने स्टेपनी लगाई थी, और जो दूसरा टायर था हम समझ रहे थे कि शायद वो पंचर है, लेकिन वो पंचर नहीं है, वो भी फट चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। आपको दिखाता हूँ, भाई ने कहा है कि नया टायर लगवाना पड़ेगा आपको। ये चेक करें गाइस, ये देखें, ये यहाँ से फट चुका है, ये देखें, ये भी फारिग हो चुका है। अब वो जाना नया टायर लेके, नया टायर डलवा रहे हैं, नया टायर लेके लगवा रहे हैं इसको। ये हमारा रिम है यार, इसको सीधा किया है जी, यहाँ से वो प्रॉपर है, ये इसको नहीं कि मैं थोड़ा सा हुआ है। बस ठीक हो गया, चले सही हो गया। हाँ हाँ हाँ, वो तो उसकी तो हालत ही खराब है ना। ये इन भाई की शॉप है और ये हमारा टायर लगाने लगे हैं। भाई साहब कितने में लगाया है टायर हमें? 45,000। हाँ जी भाई, हो गया, अभी देर है इसको। नया टायर हमने रिम पे चढ़ा लिया है और वो पीछे गाड़ी में पड़ा है। हम भाई के साथ जा रहे हैं अभी अपनी गाड़ी तक। ये आ गया जी हमारा नया टायर, अब ये गाड़ी में डालते हैं और यहाँ से निकलते हैं। जी ये आ गया जी टायर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से दूसरा टायर भी फिट हो चुका है। ये चेक करें। थैंक यू सो मच प्यारे भाई। यार इन भाइयों के ना बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, यकीन करें। हम बड़े परेशान थे कि बीच रास्ते में पता नहीं क्या होगा, लेकिन इन भाइयों ने हमें कोई टेंशन नहीं आने दी। एक मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर टायर वगैरह भी मिल गए। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी, उनके पास टायर भी एक ही पड़ा था। बैरल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी सर्विस। शुक्र है जी, सारा कुछ ठीक हो गया, अब हम लोग निकलने लगे हैं। चलो सर जी। हाँ चलो, अल्लाह ने बचा लिया है आज। हाँ, ये जो हमारे पास कलामे पाक पड़ी हुई थी ना, कुरान पाक, उसकी वजह से अल्लाह पाक ने बचत कर दी हमारी।